अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों का सड़कों पर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बैक वक्त 5 शहरों से तहरीक कसास का आगाज़ किया और हुकूमत से सानहा मॉडल टाउन के मकतूलीन के लिए इंसाफ मांगा। उधर इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कल से पानामा लीक्स इशू पर तहरीक एहतसाब का आगाज करेंगे। याद रहे कि ठीक आज से ठीक 2 साल पहले अगस्त ही में इन दोनों पार्टीज ने हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी ही तहरीक शुरू की थी, लेकिन क्या ये तहरीक कामयाबी से हमकनार होगी या फिर इसका भी अंजाम 2014 के धरने जैसा ही होगा। अगर हुकूमती कैंप की बात की जाए तो हुकूमत अपोजिशन से निमटने के लिए इस बार पहले से ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक सड़कों पर नहीं निकली और दूसरा हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में उन्हें भरपूर ये यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि इस तहरीक में अपोजिशन का पलड़ा भारी रहता है या फिर हुकूमत का। दूसरी जानिब हुकूमत भी अब कुछ महाजराई के मूड में ही नज़र आ रही है। इसने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत वैसा ही एक रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करवाया है जैसा कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ करवाया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान वाकई में गलत थे तो हुकूमत को 3 साल के बाद ही उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ख्याल क्यों आया? तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हुकूमत चाहती है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे धमकियां देकर चुप करवा दें? अगर यह हुकूमत की जाने से ब्लैकमेलिंग है तो क्या ये ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को कमज़ोर कर पाएगी? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पीटीआई की रहनुमा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स के रहनुमा, वो भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब से थोड़ी देर में हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम में। कल से आप लोग तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, आज से पैट ने आगाज़ किया, तो आपकी तहरीक का किस तरह से शुरू होगी? क्योंकि आम तासुर ये बन चुका है कि 2014 का धरना याद आ जाता है जब भी खान साहब कहते हैं जब हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और उसका अंजाम भी फिर जहन में वही आता है जो 2014 का हुआ था। इस दफ़ा मोटिव क्या है, मकसद क्या है आप लोगों की तहरीक? देखिए शाजिया, मेरा ख्याल है जो 2014 की तहरीक थी उसको आप किसी तरीके से भी, मेरी तरफ से वो बिल्कुल कामयाब तहरीक थी। अच्छा, वजह ये थी कि मेरा ख्याल है उस तहरीक की वजह से जितना लोगों में शऊर पैदा हुआ इलेक्शन की धांधली का, वो शायद कोई और तहरीक ने कभी ऐसा पैदा नहीं करना था। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे फॉर्म 14 फॉर्म 15 आ गया, बिल्कुल आया। इसके अलावा आप देखिए कि खान साहब ने जो बात कही थी उस तहरीक के अंदर किस वजह से शुरू हुई थी, 4 उन्होंने हलके खोलने के लिए कहे थे। चार हलकों से बात, अब 4 हलके आपके सामने, 2 हलकों में खुल के तो इलेक्शन हो चुकी आपके सामने ही है, उसमें एक में हम जीत चुके हैं और एक में हम आधा जीत गए, क्योंकि नीचे हमारा शुएब सदीक जो है वो पार्लियामेंट जीत गया। हामिद खान साहब का हलका आप देख लीजिए, वो खुला है, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1.5 लाख वोट तस्दीक नहीं हो पा रही, 1.5 लाख हामिद खान साहब के हलके, हामिद खान साहब का। अच्छा, जो दूसरा है, चौथा हलका जो सियालकोट का है, जो अपना पावर के मिनिस्टर साहब हैं उनका हलका जो है, उमर डार का, सॉरी उस्मान डार का, वो भी रुका हुआ है थ्रू अ स्टे, उन्होंने स्टे पर रुका हुआ, हमने तो नहीं रोका हुआ। एंड ऑफ द डे खान साहब ने जो बात कही थी वो तो प्रूव हो गई कि जी धांधली हुई। अगर उन 4 हलके जो खान साहब ने कहे खोलने के लिए उन पे धांधली चारों पे प्रूव हो गई तो उसका मतलब हम जो खोलते जाएंगे उन पे धांधली प्रूव होती चली जाएगी। आप लोगों का मकसद था ना कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्तीफा ले लिया जाए। असूलन अगर ये 4 हलकों पे धांधली प्रूव हो गई और वो उसी तरह है कि जैसे देख के कुछ चंद चावल चुन के देख लेंगे ठीक है या नहीं, तो फिर इसका मतलब है धांधली तो हुई, तो ये धांधली ज़्यादा हुकूमत जो है क्या वाकई उसका हक है कि वो हुक्मरानी करे? एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात आ गई, लेकिन क्योंकि खान साहब ने कमिटमेंट कर दी थी कि जुडिशियल कमीशन जो डिसीजन दे गई हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वी एक्सेप्टेड इट। उसके बावजूद जुडिशियल कमीशन ने ये कहा कि जी वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज धांधली नहीं थी, लेकिन ये थी कि वैसे मुनज़्जम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद देयर वर लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स टू इट। तो अगर एक मैं वैसे एक आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि एक पर्चा कर रही हूँ मैं, उस पर्चे के अंदर सारी चीटिंग तो नहीं मैंने की, आधे सफ़े की चीटिंग कर दी तो क्या मेरा पर्चा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए? अब ये देखें ना, इस तरह की जब बात हुई, चले उसके बावजूद उन्होंने 42 रिकमेंडेशन पॉइंट
पॉइंट्स भेजे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर को काम होना शुरू हो गया, कम से कम निशानदेही तो जो गलत काम हुआ उनकी निशानदेही। इस तहरीक का मोटिव आप लोगों का यही वज़ीर-ए-आज़म का? इस तहरीक का मोटिव है जो बात इमरान खान ने पहले दिन से कहा कि देखें यहाँ के लोग यहाँ से पैसा बाहर ले जा के पाकिस्तान की आवाम की खून पसीने की कमाई जो है वो इस तरह बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके टैक्स इवेजन करके वो ले गए हैं बाहर, और उन्होंने बाहर जाके अपने मतलब मिले बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, जो भी बनाई, उनका हिसाब होना चाहिए। ये अब हमने तो नहीं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, ये तो इल्ज़ाम आपका एक आपके जर्नलिस्ट का इंटरनेशनल कंसोर्शियम एक था जिसने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया, और वो इल्ज़ाम अगर सही ना होता तो कैमरून अपने आप को कभी पार्लियामेंट में क्लियर करने ना आता, आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ना करता। इसका मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके जर्नलिस्ट ने सामने लाए हैं वो उनके अंदर सच्चाई है। हम ये समझे आपकी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक एहतसाब नहीं होगा, उल्टा वो लोग आप लोगों का एहतसाब करने निकले। इस पर भी मैं बात करूंगी, जो आर्टिकल 263 लगाया गया खान साहब पे। शहजाद चौधरी साहब, पैट ने आज से तहरीक का आगाज कर दिया, पीटीआई कल से तहरीक का आगाज करने जा रही है, पीपल्स पार्टी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, इन्हीं दो पार्टियों का एहतजाज जो है क्या ये 2014 के धरने का रिप्ले लग रहा है, और अगर ये रिप्ले है तो क्या नतायज भी 2014 जैसे होंगे या कोई एक नई कोशिश के साथ नतायज भी नए होंगे? नहीं, रिप्ले तो वो नहीं होगा, वो तो इमरान खान साहब ने खुद ही कह दिया है कि ये हफ्ते में एक मर्तबा वो करेंगे और हर हफ्ते को एक रैली लीड करेंगे। अब ये 2-3 माह के बाद बात कहाँ पहुँचती है, देखिए आप कहते हैं कि सियासत में एक हफ्ता भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अहम हो सकता है। अब ये 9 तारीख को इनकी मुलाकात होगी गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पर क्या TORs पे बात होती है, और 2-3 माह के अंदर अगर वो इस लेवल पे पहुँचें दोनों तरीक़े के वो कोई मोमेंटम बिल्डअप कर सकें। देखिए कि मोमेंटम सिर्फ अपनी रैलियाँ निकालने से तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोगों को आगही दी जाए और लोगों को अपने साथ मिलाया जाए ताकि स्ट्रीट पावर जनरेट हो। वो स्ट्रीट पावर पब्लिक ओपिनियन में जब कन्वर्ट होती है तो वो फिर प्रेशर डालती है लोगों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी उस स्टेज पे है जहाँ पर वो देखना चाहती है कि ये कितने बड़े मजमे इकट्ठे कर सकते हैं, कितनी बड़ी रैलियाँ चल सकती हैं, कितनी देर तक ये लोग इसको सस्टेन कर सकते हैं, उससे पता लगेगा कि इनकी अपने मकासद क्या हैं, इनके अहदाफ हासिल होते हैं या नहीं होते, और हुकूमत को कितनी फिक्र करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स टू अर्ली इन द प्रोसेस टू रीड के इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इनिशिएट किया उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, और उनका हक बनता है करने वालों का भी और उसको ऑब्जर्व करने वालों का भी। लेकिन आपको ये तो लगता नहीं हुकूमत पहले से ज्यादा पूरा एतमाद नजर आ रही है, खासकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपने इत्तेहादियों से मुलाकात की, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम हुकूमत के खिलाफ किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, इसकी वजह से हुकूमत ज्यादा पूरा एतमाद नजर आ रही है? नहीं, मैं देखिए एतमाद तो क्रेडिबिलिटी से होता है ना, यानी ये सब कुछ ना करना पड़ता अगर कोई गलत काम ना हुआ होता, तो गलत काम तो हुआ हुआ है। अब उस गलत काम से उनका अपना ताल्लुक, उन्होंने किस तरीके से अपना लाताल्लुकी कैसे जाहिर करनी है, वो एक अमल है जिसके लिए ये सारी कोशिश हो रही है। और जाहिर है कि जो हुकूमत वक्त है उसके लिए भी बेहतर है कि उनके अपने जो वज़ीर आज़म हैं वो ये अपने आप को उस जो इवेंट हुआ है या जो पनामा लीक्स का मसला है या ये जो एक गलत काम हुआ है गलती से किस तरीके से दूर कर सकते हैं, तो ये सब एक लॉजिक का, एक टाइमिंग्स का, एक उन चीज़ों का प्ले आउट है। तो देखिए, लेकिन इनके पास मैं समझता हूँ इससे भी बढ़ के जो अभी जो इनके हाथ में चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में या हायर जुडिशरी में पिटिशंस दायर करना इस मामले के बारे में, क्योंकि अगर इनको लगता है कि कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हो रही तो फिर वो एक ऐसा अमल है जो मुझे हैरानगी है कि अभी तक ना पीपल्स पार्टी और ना ही PTI या किसी और ने। बाकी देखिए पैट का मामला दूसरा है, उनका तो खून हुआ हुआ है और उनको खून के बदले में अपना हिसाब चाहिए, तो वो तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन ये लोग फोकस कर रहे हैं पनामा लीक्स पे और करप्शन। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स साहब के नाम पर सड़कों पर निकलना चाहती थी, बिलावल साहब और इमरान खान साहब एक कंटेनर पर इकट्ठे नज़र आने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इस तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही, एक छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदी। शौकत बसरा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने तो ये भी सुना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतसाब करना चाहती है मुस्लिम लीग नून का। टीओआरएस पर जब कोई मुत्तफिक नहीं हो पाया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया, बोला हम सड़कों पर निकलेंगे, जब तक एहतसाब नहीं होगा हम लोग एहतजाज करेंगे, तहरीक को जारी रखेंगे। और ये भी हमने सुना कि बिलावल साहब और इमरान खान साहब एक कंटेनर पर भी नजर आ सकते हैं। खान साहब तो कल से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, सड़कों पर नजर आने, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, पीपल्स पार्टी कहाँ छुप गई है? शाजिया बिल्कुल गलत नहीं है, अब 100% दुरुस्त है। लेकिन गुजारिश ये है, इसमें थोड़ा सा मैं एक फिक्र और भी ऐड कर दूँ। बिलावल साहब ने यह भी कहा था कि करप्शन का जो सरदार है, मोदी का जो यार है, उसको एक धक्का और दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तारीख में मोदी का जिक्र ना करेंगे, एहतसाब की तहरीक है, मोदी को जरा एक साइड पे रख। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने को नारा याद दिलाया, पनामा लीक्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंच पीछे नहीं हटेगी, ये आज मेरी बात आप लिख लीजिए। लेकिन 9 तारीख को टीओआरएस की मीटिंग है और उसमें खान साहब भी जा रहे हैं, यानी कि हम तमाम वो अपोजिशन जो इकट्ठी थी, वो तमाम की तमाम 9 तारीख की जो टीओआरएस की मीटिंग है उसमें जा रही है। और बहुत बेहतर होता, मैं आपके पॉइंट की तरफ बताऊँ, खान साहब ने जो सोलो फ्लाइट ली है, आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त इंप्रेशन था, तमाम अपोजिशन इकट्ठी थी और जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन थी और ये भी कोशिश कर रही थी किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन को तोड़ने के लिए कुछ साजिशों के जरिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अपोजिशन इकट्ठी रही। लेकिन खान साहब के इस फैसले ने, जिन्होंने सोलो फ्लाइट ली और हमसे मशावरत नहीं की, मैं समझता हूँ इससे अच्छा तासर नहीं गया। और वैसे भी अभी जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा और इमरान खान साहब का खुद यही मौक़िफ़ है कि हम तहरीक के लिए वो नहीं जा रहे, अभी वो अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्यादत में इन पनामा ज़दा हुक्मरानों के खिलाफ जो तहरीक चलाएगी वो तहरीक इमरान खान साहब वाली नहीं होगी। ये शहीदों के वारिस हैं, ये गड़ी खुदाबख्श लाड़काना के पुजारी हैं। इंशाल्लाह जिस जोर से हम निकलेंगे, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहाँ हूँ, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, सुन ले, मैं ये लफ्ज दे रहा हूँ कि 9 तारीख को टीओआरएस कमेटी की मीटिंग है। और मैं एक और अफकार्स कर दूं, उसके बाद आप देखेंगी कि पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों को एक दफा फिर एक पेज पर लेकर आएगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इकट्ठे निकलेंगे। अगर कुछ जमातों ने डिस्टेंस किया भी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है कि हम एक इंच पनामा ज़्यादा हुक्मरानों को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह पनामा लीक वाले ये हुक्मरान, पनामा वाला वाक्या और मॉडल टाउन वाला वाक्या आज लिख लें शाजिया, मियां साबान के गले का फंदा साबित होगा। ये जितना भागेंगे, जैसे एतजाज हसन साहब ने कहा, ये पनामा की घंटी इनके गले में आ चुकी है, उतना ही वो टन 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 बजेगी जितना मर्जी भाग ले। और दूसरी बात, अभी भी मेरी बहन है डॉक्टर यास्मीन राखी साहब बैठी हैं, खान साहब में एक प्रॉब्लम है, क्या खान साहब में एक एटीट्यूड का इशू है। देखिए अभी वो हमारे साथ भी हैं उस टीओआरएस कमेटी के अंदर और एक सोलो फ्लाइट भी ले रहे हैं। खान साहब, मैं एक प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ कि वो स्टार थे, स्टार हैं और स्टार रहेंगे। आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है कि टीओआरएस कमेटी के में डिले टैक्टिक्स यूज किए जाएं और आप लोग ये चाहते हैं कि खान साहब आपके पीछे लगकर आप लोगों का इंतजार करते रहें? टीओआरएस कमेटी का मकसद ही आपको ये लग रहा, आप टीओआरएस कमेटी का मकसद ये लग रहा था कि डिलेइंग टैक्टिक्स देकर हुकूमत को फायदा पहुंचाया जाए और खान साहब इससे निकल गए? दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल, आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है, मैं जो बात कर रहा था वो सुन लीजिए एक दफा। खान साहब स्टार थे, हैं, रहेंगे। बदकिस्मती से, मेरी बहन से बड़ी माजरत के साथ और पीटीए वालों का दिल ना दुखे, खान साहब कभी भी सियासतदान नहीं थे, ना हैं और ना बन सकेंगे, ये बात आज मेरी नोट कर लीजिएगा। इतनी बड़ी फॉलोइंग के बाद बावजूद सोलो फ्लाइट लेना, मशावरत ना करना, ये उनकी बदकिस्मती है, उनकी सोच जो है उसको साबित करती है। दूसरी बात, ये आप दुरुस्त कह रही हैं शाजिया, ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि कौम को जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन हुक्मरानों ने टीओआरएस में, लेकिन हम कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहते। तो किसने लगाया हुआ है? इलेक्शन कमीशन के अंदर भी गया हमारा मुद्दा, शहजाद चौधरी साहब से कमेंट ले लूं, शहजाद चौधरी साहब ने टीओआरएस में क्या निकलेगा? फिक्र पूरा कर लूं मैं, शाजिया फिक्र पूरा कर लूं, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरल राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस जहीर अनवर जवाली साहब की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो टाइम क्यों आप लोग टाइम क्यों दे रहे हैं? आप लोग टाइम क्यों दे रहे हैं? ऑपोजिशन क्यों टाइम दे रही है? नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। हम ये चाहते हैं कि ये ना कहें कि हम, ये तो सियासी शहीद होना चाहते हैं, ये ना चाहे कौम ये ना कहे, या ये ना कहें जाके कि ये हम तो टीओआरएस में बैठना चाहते हैं, ये बैठ नहीं रहे। 9 तारीख के बाद मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा शाजिया, फिर आप देखेंगे किस कुव्वत के साथ हम निकलते हैं। शहजाद चौधरी साहब, टीओआरएस में से क्या निकलेगा? कब ये ड्रामा बंद होगा टीओआरएस कमेटियों का?
देखिए 3.5 माह हो गए TORs नहीं डिसाइड हो पाए, इसमें दोनों साइड्स का फेलियर है, ऑपोजिशन का भी फेलियर है और गवर्नमेंट का तो है ही है। गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहती थी कि ये मामला तय हो किसी भी तरीके से, वो टाइम गेन करना चाहते हैं, वो टाइम ज़ाया करना चाहते हैं, ये मामला अदालतों में ना आए वो ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज ही ये मामला कोई अदालत में पिटीशन लेके जाता है हायर जुडिशरी के पास, तो पहला सवाल करेंगे कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत लेके गए, क्या आप स्पीकर के पास ये इलेक्शन से शिकायत लेके गए। अच्छा अगर नहीं गए तो पहले उस जगह को भुगता लें उसके बाद हमारे पास आएँ। अच्छा ये तो इस वजह से चूँकि TORs के अंदर ही इतना वक्त लग गया है तो वो मामला ही नहीं आ पाया, जहाँ पर अभी बड़ा लेट आई थिंक डॉक्टर साहिबा खुद लेके गई एक पिटीशन जो कि इनके सामने इलेक्शन कमीशन के आगे। अच्छा तो मेरा मतलब है कि उनकी गेम जो है वो उनकी गवर्नमेंट की जो चाहत है वो पूरी हो रही है इस तरीके से। अच्छा अब दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या इसका ताल्लुक जनरल राहील शरीफ के रहने या जाने से है। मेरा ख्याल है हरगिज़ नहीं है। अच्छा ये मामला है सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की कैपेसिटी टू ट्रिगर अ पब्लिक रिस्पॉन्स। अगर तो लोगों को ये जगा सकते हैं और लोगों को सामने ला सकते हैं तो, और वो लोग अपने प्रेशर के नीचे, देखिए जब आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा तो किस तरह जाना पड़ा, लोग उसके महल के आगे जाके वो 10-15-20 हज़ार का मजमा खड़ा हो गया और उसने 24 घंटे वहाँ गुजारे। उस 24 घंटे के प्रेशर आपके खिड़कियों के आगे सिवाय आवाम के कुछ नहीं है तो आपको जाना पड़ता है, कोई रास्ता रह नहीं जाता। बाकी जहाँ पे भी रेवोल्यूशन आए पीपल पार के पीछे, वो उसमें आप लोगों का एक हजूम होता है जो अपनी जगह जाके बना लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि और ये कैपेसिटी और एबिलिटी इनके अंदर है, ये जिनका मास कॉन्टैक्ट है, जिन लोगों के साथ ताल्लुक है, और ये लोग जब तक उनको जनरेट। अच्छा अब उसके अंदर सियासत भी चल रही है, सियासत ये है मिसाल के तौर पे ख्याल ये किया जा रहा है, हम ख्याल है कि 2017 में शायद इलेक्शन हो जाएंगे, 2018 तक शायद, ये सारे मामलात की वजह से बात ना पहुंचे। अच्छा अब उसके अंदर खान साहब ये चाह रहे हैं कि अपनी स्टार्ट जो उनका बेस है जो पख्तूनख्वा है वहाँ पे इन रैलीज़ के साथ पब्लिक ओपिनियन और अपने साथ ये जो शोर हंगामा है, एक जैसा अपने बेस को जगाना होता है वो बेस को जगाने का भी काम करेगा कि अगर 2017 में इलेक्शन आ जाता है तो ये काम भी साथ साथ जारी है, अपनी लोगों को जगाना, अपने साथ मिलाना। और अगर ये फिर पंजाब में भी आ जाए किसी तरीके से, अब जब पंजाब के अंदर मसला आएगा तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में मसले में पड़ जाएंगे। पीपीपी चाहती है कि वापस आए पंजाब के अंदर अपनी जगह बनाए और वो जगह बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान नहीं, सुन ले बात को सुन ले। अगर पीटीआई, अगर क्या पीटीआई तैयार है पीपीपी को वो स्पेस देने के लिए? पीटीआई ने तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेकेंड कंपेटिटर बनाया है पीपीएमएलएन का, वहां पे नंबर टू पार्टी बनी है, तो क्या वो छोड़ देंगे जगह पीपी ताकि पीपीपी उनके ऊपर बैठ के आ जाए यहाँ पे? तो ये जब पंजाब में जाएंगे तो वहां पे इनके दरमियान में मसले होंगे और वहां पे मुझे लगता है कि फिर इनकी जो इश्तराक है वो मदम पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है सोलो फ्लाइट की, जरा शिकायत सोलो फ्लाइट, देखिए सोलो फ्लाइट की बात ही नहीं है, बात असल में ये है कि खान साहब ने ये बात कही है कि लोगों में हम पहले शऊर पैदा करेंगे। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को तो पनामा लीक्स के बारे में पता ही नहीं है, लोगों को बताना पड़ता है, सबको बताना है कि पनामा लीक से क्या नुकसान हुआ है, ये बताना पड़ता है कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये बताना पड़ता है कि किस तरह टैक्स पेयर्स के पैसे बाहर गए हैं, ये बताना पड़ता है कि किस तरह लोगों के खून पसीने की कमाई जो कि आप हर किस्म के टैक्स में ले लेते हैं फिर वो किस तरह बाहर जाते हैं, हाउ इज़ दैट फ्लाइट ऑफ कैपिटल देयर। क्यों नहीं हुकूमत जो है वो अपनी मनी ट्रेल बताती, क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब बताते कि उनके माशाल्लाह होनहार बच्चे जो हैं वो उन्होंने इतने पैसे कैसे बनाए या इतनी उनके पास दौलत कहाँ से आ गई या इतनी बहुत सारी इनके पास वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे बनी। बेसिकली तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, खान साहब तो पहले दिन से करप्शन की बात कर रहे थे, वी जस्ट वॉन्ट दैट मोर अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड फॉर इट। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जी हमने पूरी कोशिश की, आज 3 महीने हो गए हैं बल्कि 3.5 महीने हो गए हैं कि TORs के लिए हम खामोशी से बैठ के इंतजार करते रहे कि कुछ ना कुछ। आप नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप लोग मिलकर अगर इनके खिलाफ तहरीक शुरू करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अभी
तैयार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, मेरी अपनी ये फीलिंग है. क्यों तैयार? दे आर स्टिल नॉट रेडी. आई हैव नो रीजन फॉर इट. आई डू नॉट नो. ये तो पीपल पार्टी वाले जवाब देंगे ना. वो चाहते हैं कि मेरा ख्याल है, वो ऑप्शन की बातों से तो लगता था वो कल की बजाय वो तो आज निकलने को तैयार है, लेकिन पॉलिसी पीछे से कुछ और है. वो शायद करने को तैयार हो लेकिन अब्बा जान उनके शायद ना करने को तैयार हो. ये भी फर्क है ना इसके अंदर. सो देयर इज देयर माइट बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ये तो पार्टी के लोग जवाब देंगे. जहां तक तरीके इंसाफ का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हम लोग तो बिल्कुल खामोश. मैं आपको अपनी बताती हूँ कि एज अ पार्टी मेंबर मैं खान साहब को ना खामोश बैठने दूं. क्यों हम खामोश बैठने दें? यानी लेकिन अभी तो आप लोगों को भी तैयारी करनी है. आइन का आर्टिकल 62-63 जिसमें खान साहब भी पूरा नहीं उतर रहे, आप लोगों के खिलाफ भी रेफरेंस. खान साहब ने मुझे ब्रेक लेने के बाद आके जवाब देते हैं आपसे. शाजिया एक बात सुनिए, अगर इन्होंने रेफरेंस जमा करवाया है तो शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को. इस वजह से कि ये तो हुकूमत में है, अगर इनको इमरान खान के खिलाफ कोई इनके पास सबूत है तो हर किस्म का अदारा तो इनके पास सवाल है. आप करें, मुझे ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 62-63 पर रेफरेंस दायर किया है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो इस पर पूरा नहीं उतरते हैं. उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं. 1983 से लेकर 2016 तक जो भी उनके असासे उनको छुपाया गया, तो एक आम इंसान के जहन में भी सवाल ये आता है कि 3 साल आप लोगों की हुकूमत को हो गए, 3 साल के बाद ही आप लोगों को याद क्यों आया रेफरेंस दायर करने का? जी, और दूसरा जो उसका रास्ता इख्तियार किया है वो भी मुझे लगता है कि शायद आईनी तौर पर, पता नहीं मुझे मालूम नहीं है सही, लेकिन मुनासिब है या नहीं है. स्पीकर के पास जमा कराया, स्पीकर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करेगा और तहकीकात करने के बाद अगर वो समझे कि इसके अंदर कोई जान है तो वो उसके ऊपर कोई अपनी रूलिंग दे सकता है, फिर ये वापस स्पीकर के पास जाएगा. बात यह है कि यही लोग पीटीआई के ये कोई 1.5 साल पहले जब ये इन्होंने जब धरना 2014 का किया उसके बाद ये जाना ही बंद कर दिया, इन्होंने इस्तीफे दे दिए. तो वो स्पीकर जो कि इस्तीफे देने के बाद कबूल ना करे, वो अब किस बहाने पे एक पार्टी के लीडर को किसी ऐसे रेफरेंस में डिस्क्वालीफाई कर सकता? नहीं कर सकता. सही यही हाल एमक्यूएम का है. यानी जब आपका स्टैंडर्ड एक नहीं है तो आपकी सजा जो होती है वो जायज़ नहीं बनती. तो मेरा हिसाब है कि मेरा ख्याल ये है कि ये ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियसली ये वजह ये है कि ये लगता है कि जैसे उसके मुकाबले में वो जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने शोर मचाया तो उन्होंने उसके एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे या एक उनको एक और काम दे दिया. ब्लैकमेलिंग का नाम भी दिया जा सकता है, काउंटर बैलेंस का भी इसको नाम दिया जा सकता है. ब्लैकमेलिंग तो मैं नहीं कह सकता. अच्छा, जुबैर साहब इस लाइन पर मौजूद. अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. जुबैर साहब, अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जवाब में, अब आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो स्पीकर साहब को जमा करा दिया. ये काउंटर बैलेंस है, प्रेशराइज करना है या ब्लैकमेलिंग है? आखिर 3 साल के बाद ही क्यों याद आया कि खान साहब अपने असासे छुपाए हुए हैं? एक तो मुझे सब की असेसमेंट अभी शहजाद चौधरी साहब का भी मैं सुन रहा था और इकराम के साथ मुझे अर्ज ये करना है कि पहली चीज तो ये होती है कि वो हमने बात क्या किया उसके तो उसका तो जवाब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमारे से तो पेपर लेरा के सारे पिछले 4 महीने से पूछते थे कि इसका जवाब बताएं और इसका जवाब बताएं और इसका जवाब बताएं, और सही था, उनका जवाब पूछने का हक भी था. प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट पे आए और आके जवाब दें. तो जो पॉइंट्स हमने रेज किए उसके एक वजह ये, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हम सियासत का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ये है कि हमारे खिलाफ वो एजिटेशन करने जा रहे हैं हुकूमत को गिराने के लिए, करप्शन के हवाले से और टैक्स अवेजन के हवाले से और दूसरी चीजों के. वो बिल्कुल सही बात है कि हमें उसका जवाब देना चाहिए और हम बिल्कुल जवाब भी देते हैं. जवाब इस तरीके से दे रहे हैं कि आपने रेफरेंस दायर कर दिया. सादा सी बात यह कि खान साहब तो कह रहे हैं, सुन लेना, खान साहब तो कह रहे हैं, सुन लेना, सुन मुकम्मल, चलें चलें कर लें, आपको तो मौका है, कर लें कर लें कर लें, फिर मैं पूछती हूँ आपसे, करें करें बात. सिर्फ ये आपने आपने पढ़ा है वो हमने क्या कहा है? तो अगर आप वो पढ़ लें तो फिर आप, हम ये पूछना चाहते हैं कि खान साहब आप हमें ये कहते हैं कि हम टैक्स रिविजन का किया था, हम तो उसके जवाब में स्पेसिफिक जवाब भी देते हैं. हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये चीजें की थी, आप जवाब देते, आप आए ना पार्लियामेंट में, आप जवाब देते. पीटीआई का कोई शख्स एक भी चीज का जवाब देते हैं,
देखें ना एक भी चीज का। अच्छा दूसरी चीज ये, जब हम कहते थे तो कहते थे कि आप हुकूमत है आप लीगल तरीका क्यों नहीं इख्तियार करते, तो हमने लीगल तरीका ही इख्तियार किया ना। लेकिन आपने तरीका इख्तियार किया अपोजिशन के तरीका इख्तियार करने के बाद, और दूसरी बात खान साहब ने जवाब दिया कि मैं तो तैयार हूं, जो अपोजिशन ने टीओआर तैयार किए हैं, जो अपोजिशन के टीओआर हैं उन पर मेरा भी एहतसाब कर ले, उन पर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एहतसाब कर ले। एक एक आप एक तो होता है अवामी, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो अवाम के सामने ये पूछते थे हमारे से, ये नहीं कहते थे कि सीधे सीधे सवाल है आप सीधे सीधे जवाब देते, पूछते थे ये नहीं पूछते थे। और आप दूसरा मैार क्यों क्रिएट कर रही है, हम ये कह रहे हैं कि खान साहब आपने 97 में इलेक्शन लड़ा, 2002 में इलेक्शन लड़ा, 2013 में आपने अपनी ऑफशोर कंपनी और अपने फ्लैट का क्यों नहीं जिक्र किया था। आपने अगर कोई गिफ्ट जुमैमा से ली थी जब आपकी डिवोर्स हो चुकी तो वो गिफ्ट नहीं होता पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से, उस पर आपको इनकम के हिसाब से टैक्स देना था। मैंने सारी बातें मान ली आपकी जुबैर साहब, आपने 1983 में फ्लैट लिया था, 2000 तक आपके टैक्स रिटर्न में कोई जिक्र नहीं था, और 2000 में आपने मुशर्रफ के व्हाइट मनी वो काले धन को सफेद करने की स्कीम में बेनिफिट किया और वो भी गलत किया क्योंकि वो था। जुबैर साहब आपकी सारी बातें ठीक हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं आप सुन लेना हमारे से आप पूछती भी है नहीं पूछती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमारे से पूछती थी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप सुन भी तो लेना, वो तो तैयार है अपना एहतसाब करवाने के लिए उन्हीं टीओआर पर जो अपोजिशन ने किया है ना, वो दो चीजें वो एहतसाब का अमल जवाब दे दें, हमने स्पीकर के यहाँ फाइल कर दिया है वो एहतसाब, ये कहना कि मेरा एहतसाब कर ले भाई मेरा मेरे जवाब तो दे दे, तेरा पॉलिटिकल पार्टी तेरा पॉलिटिकल लीडर आप अवाम के पास जा रहे हैं हमारी कमजोरियां बयान करने के लिए जा रहे हैं ना, तो भाई अवाम में तो आप कोई वो तो नहीं कर रहे लीगल वो तो तरीका। डॉक्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे पास बैठी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे पास बैठी हैं, बोल के अपनी हिम्मत करके ठीक है ठीक है डॉक्टर सुनिए ना बात भी सुनिए, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूं, जो मेरे ख्याल जुबैर साहब जो है वो ये कहें कि आप पार्लियामेंट चाहेंगे या नहीं। जुबैर साहब आप बात तो सुन लीजिए ना, आप मेरी भी सुन लीजिए, मकसद ये है कि सबसे बड़ी ये बात है ये इल्जाम जो है ये तरीके इंसाफ ने तो लगाया ही नहीं आप पे, ये तो इल्जाम आपके ऊपर मुझे आप बात मुकम्मल करें, आप बोलते रहे मैं बीच में नहीं बोली, अब आप मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, ये इल्जाम तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया, ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम जर्नलिस्ट का था जिन्होंने आप पे इल्जाम लगाया, आपके प्राइम मिनिस्टर पे, और उनको कहा कि उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज है, ये कोई इमरान खान ने या मैंने तो नहीं लगाया। अब मकसद ये है कि अगर उन्होंने कैमरून पे लगाया और उन्होंने बाकी 200 ऐसे पॉलिटिशियंस पे लगाया, तो उसमें से जिन लोगों ने कुछ ने तो अपनी सफाई खुदा के पेश की, जिस तरह पीपल हु हैड सम मॉरल्स दे केम एंड प्रेजेंटेड इट देमसेल्व्स, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास देयर वाज नथिंग टू प्रेजेंट तो वो रिजाइन करके चले गए। मकसद ये है कि ये को हमने तो नहीं लगाया था ना, ये तो एक इंटरनेशनल बदनामी की बायस बनी, इस पे तो फर्ज बनता था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि पाकिस्तान की इज्जत की खातिर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाक और साफ हैं उनको अपनी सारी आके खुद क्लियरेंस देनी चाहिए थी, हमें तो मांगनी नहीं चाहिए थी उनसे क्लियरेंस, उन्हें आके कहना चाहिए था कि ये सारे पैसे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये मेरी मनी ट्रेल है, इस तरह पैसे हम तो हमेशा से करोड़ों लाखों पति थे। उन्होंने तो आके जब वो आए हैं उसके अंदर पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा कि भुट्टो के ज़माने में हमसे सारा कुछ ले लिया गया, हम फाके फ़कीर हो गए, फिर उसके बाद हमने दोबारा पैसे बनाए, उसके बाद हमें पाकिस्तान से जलावतनी कर दी, फिर हमने 10 साल वहाँ गुजारा, फिर हमने एक फैक्ट्री से 7 फैक्ट्रियाँ बनाई, इस दौरान के अंदर ये सारा कुछ बना। देखिए ना मकसद ये, और आप उनके तीनों बच्चों ने और उन्होंने सब ने अलहदा अलहदा स्टेटमेंट दी, खासतौर पर अबाउट मेफेयर फ्लैट्स, ये हमने तो नहीं कहा। एक सेकेंड ये मुझे बात मुकम्मल, हमने तो एक दफ़ा भी नहीं कही, ये बात तो उन्होंने क्लियर करनी थी। जहां तक आपका रेफरेंस दायर करने का काम है, आपने अगर रेफरेंस दायर किया है, यू आर द गवर्नमेंट, इफ यू थिंक इमरान खान हैज डन समथिंग रॉन्ग टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, हु हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम इट। अच्छा प्लीज लेट मी से, आपने एक पांच दफा हमें कोई इतराज नहीं, हमने कभी तरीके को ये कहा कि ये आपने किया था, ये पनामा से ही था, ये बाहर से था, और आप बिल्कुल सही हैं कि हमें इसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सही है, 100% स्पॉट ऑन। और अगर आपको हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो कि प्राइम मिनिस्टर की एक्सप्लेनेशन पर कि जब वो पार्लियामेंट में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, पार्लियामेंट में आने बुलाने का मकसद आप सबका ये था कि आप पार्लियामेंट में आए वजाहत दें और हम आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच खत्म की ये सब लोग ऑपोजिशन वाले भाग चले गए, वी डिड नॉट टेल देम टू गो आउट।
सेकंड चीज ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जहां पनामा का हर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है, आप मुझे किसी वक्त भी बुला लें। जुबैर साहब, मुझे एक सवाल करना है आपसे। जुबैर साहब, अगर आप लोगों ने जो रेफरेंस दायर किया खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62-63 को लेकर, अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पर आप समझते हैं जो पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है तहरीक मर जाएगी, तहरीक खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, दे टू सेपरेट थिंग्स। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि खान साहब, आप मुझे ये, आप देखे ना, इत्तेजाज अहसन और इमरान खान के और बकौल इत्तेजाज अहसन और उनके जिस तरह से वो कहते थे, आपको याद हो, सीधे सीधे सवाल है, सीधे सीधे जवाब दे दे, तो हम वो नहीं पूछ सकते? देखिए, पूछते थे ना, कहते थे ना, और पूरी मीडिया बाबा मुझे ब्रेक लेने दे। जुबैर साहब साथ रहे, जुबैर साहब साथ रहे, साथ रहे, मुझे ब्रेक लेने। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद, हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शौकत बसरा साहब, अगर 9 तारीख को अपोजिशन जमातों में फिर कोई इत्तफाक राय नहीं हो पाता टीओआर मामलात को लेकर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सड़कों पर निकलने के लिए लाहे अमल क्या है, आप लोगों की पॉलिसी क्या है इस तारीख को लेकर? शाज़िया, पहली मेरी गुजारिश ये सुन ले कि मैंने अभी जो बात कही थी कि 9 तारीख की मीटिंग में इमरान खान साहब का वफद भी मौजूद है, तमाम अपोजिशन जमातों की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, पहले ये बात क्लियर कर बिल्कुल है सब। और दूसरी बात ये है कि अभी शाह महमूद कुरैश साहब को आप लाइन पे ले लें, जब इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया मेरे ख्याल में उनको भी पता नहीं था, यानी इस हद तक उनको उजलत में और जल्दबाजी में फैसला किया, इसलिए ये बात आप यकीन रखें कि 9 तारीख को हम खान साहब की तरह नहीं करेंगे। 9 तारीख को अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो यकीनन मेरी नज़र में नाकाम होंगे, क्योंकि अच्छा। मियां साहबान किसी तौर पर वो एहतसाब नहीं करवाना चाहेंगे कि दिन दहाड़े डाका मारते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि तमाम जमातें इकट्ठी शुरू करें, अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पनामा ज़दा हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इन मॉडल टाउन के कातलों के ख़िलाफ़, और जो आज देखें कि आप पाकिस्तान के किसान, गरीब, मजदूर और वो जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके हकूक के लिए बिलावल साहब की क्यादत में भरपूर अपनी तहरीक का आगाज करेंगे। जरदारी साहब से क्लीन चिट मिल गई है, आप जलसा कर इजाजत रहे हैं। इजाजत दुबई से आ गई है क्या? अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरे ख्याल में काफ़ी मीडिया ने ये तमाशा करके देख लिया और बहुत सारी बातें मैं सुनता रहा एंकर्स की कि जी आसिफ अली जरदारी साहब कुछ और लाइन पे हैं, बिलावल भुट्टो साहब और लाइन पर हैं, दोनों में से एक इंच भी हवा नहीं गुजरती। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एतजाज साहब कुछ कहते थे, बिलावल साहब कुछ कहते थे, अगले दिन खुर्शीद शाह साहब सफाइयां देते फिरते थे, सब एक पेज पे, सब जानते हैं। सुन ले सफाइयां दे रहे हैं। शाज़िया, मैं ये भी सुनता रहा कि कराची की पीपल्स पार्टी और सोच रही है, पंजाब की पीपल्स पार्टी और सोच रही है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी क्यादत की में बैठती है, मुतफिका फैसले करती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मुतफिका फैसला करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए इलेक्शन कमीशन में जो हमने रेफरेंस फाइल किया, अगर वो आप उठा लें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक संजीदा है। हमारे एतजाज अहसन साहब ने और सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा कि मियाँ साहब बददियानत हैं, वो सादक और अमीन नहीं रहे, इसलिए किसी तौर पर वो वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं चल सकते, और इंशाल्लाह मियां साहब और पार्लियामेंट अब इकट्ठे नहीं चल सकते। शाज़िया, 31 सितंबर तक, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, ना ही डेटे देता हूँ, ना ही मेरे पास कोई चिड़िया है, मियां साहब का जाना ठहर गया है। 31 सितंबर मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी एस टी ओआर की मीटिंग देख रही है, हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, कोई ऑप्शन खाली नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा 2014 में जब तहरीक शुरू हुई थी उसके ऑपोजिट हमें देखने को मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? शाज़िया, उस वक्त भी हम धांधली के हवाले से खान साहब के साथ थे, उस टाइम आपने हुकूमत का साथ दिया था, उस टाइम आप लोग हुकूमत के साथ खड़े थे, पीटीआई के साथ नहीं खड़े थे आप लोग। एक फिक्रा, जब खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, पीटीवी पे हमला कर दिया, डिमांड क्या की कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, 2 साल के लिए केयरटेकर सेटअप बना दिया जाए। अच्छा, हमने कहा कि उस वक्त साजिश हो रही है और आपने देखा कि एम्पायर की उंगली उठनी थी। अच्छा, ये क्या तरीकाकार है, ये तो चले दोनों सियासी जमातें हैं, तारुल कादरी साहब की और इमरान खान साहब की, अगर कोई जत्था मुनज़म आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत हो, वो कहीं गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा दो, इस तरह मामलात नहीं होते।
इंशाल्लाह इस दफा शहीदों की जमात जब सड़कों पे निकलेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप लोगों की जमात सड़कों पर निकल कर कैसे एहतसाब करेगी, ये भी हम लोग देख लेंगे। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन के लिए आखिरी मौका है, खासकर खान साहब के लिए? 2014 के बाजार तो मकासद उस तहरीक के हासिल नहीं हो सके थे, 2 साल रह गए हैं बाकी नए इंतखाबात होने में। आप समझते हैं कि खान साहब के लिए आखिरी मौका है, अदरवाइज इनके पास दूसरे मामलों पर कोई भी तहरीक चलाने का, एहतजाज करने का, धरना देने का कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा अगर आपकी बात कामयाब ना हो सके? देखिए सियासत जो है ना, सियासत नवाज शरीफ को हटाने से कामयाब नहीं होती। यानी नवाज शरीफ तो एक शख्स है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर करप्ट है, PMLN करप्ट है, तो उसको पूरी पार्टी को हटाना, फिर हुकूमत को गिराना, उसको ख़त्म करना, फिर एक बामकसद तहरीक बनेगी। अच्छा, अब ये साबित करना जहाँ पर के इलेक्शन कमीशन के आगे लतीफ़ खोसा साहब और फिर किसी तरह और बाकी वकला और डॉक्टर साहब आपके साथ बैठी हैं उस दिन जब ये मौजूद थे, बदकिस्मती से ये लोग कोई चीज़ साबित कर ही नहीं पाए। और अभी तो पहली पेशी थी, उनको कहा गया क्या पता नहीं अगली पेशी कब है, अगली पेशी पे तशरीफ़ लाएँ, आइए हमारे साथ आके हमें बताएँ, ताकि साबित तो करें कि ये इस किस्म का जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं इल्ज़ाम दुरुस्त हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अब प्रोसेस का इनिशिएशन हो गया है, ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया। तो बड़े एक मिनट मेरी बात सुन लें, एक मिनट मेरी बात मेरी बात सुन लें ना, मेरी बात सुन लें। बड़े मकासद क्या सियासत के हैं? बड़े मकासद जो इनके हो सकते हैं वो ये है कि 2017 में हो जाए, मिसाल के तौर पे एक बड़ा मकसद है, उसके लिए इस किस्म का प्रेशर डाला जाए कि ये हुकूमत वक्त जो है ये मजबूर हो जाए कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर ले। ये इनकी एक मॉरल सियासी फतह होगी अपोजिशन की। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ। नंबर दो, अगर ये कहते हैं नहीं हमने इस मुल्क में असल में करप्शन ख़त्म करनी है, तो करप्शन क्या सिर्फ PMLN के अंदर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है उसके बारे में, PTI क्या कहती है उसके बारे में, बाकी पार्टियां क्या कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है? मुझे उसके लिए कवानीन चाहिए, ये लेजिस्लेशन का काम है। ये सड़कों पे घूम के आप पब्लिक ओपिनियन तो क्रिएट कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन किधर है जो कि करप्शन नहीं होने देगी, वो लेजिस्लेशन जो कि सजाएं होने देगी और लेने देगी या सजाएं देगी? तो देखिए आज एक प्रोसेस शुरू हुआ है इलेक्शन कमीशन के अंदर, अगला मरहला इस प्रोसेस का विल प्ले आउट इन दी कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, विच मीन्स कि आप 6 महीने 9 महीने साल की बात कर रहे हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। बाकी ये सब की सब जो चीज़ आप सुन रहे हैं, मतलब इंक्लूडिंग जुबैर साहब भी अपनी पार्टी का बयान कर रहे हैं, PTI वाले अपनी पार्टी का, बसरा साहब अपनी पार्टी, सब ऑल वेरी रिस्पेक्टेड पीपल, बट उनका काम है अपनी पार्टी की इनर सियासत को या जो उनके मकासद हैं उसको डिफेंड करना, अटैक करना दूसरे को, ये टैक्टिकल चीज़ें हैं। टैक्टिकल चीज़ों से पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं है, ये लगे लगे रहेंगे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 2018 में कैसे मुमकिन होगा कि रिगिंग ना हो, 2018 में या आज के बाद से या इस मौके के बाद से कैसे मुमकिन होगा कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग ना की जाए, किस तरह हो पाए, नथिंग एट ऑल, जीरो, बिग जीरो फॉर अपोजिशन, बिग जीरो फॉर द गवर्नमेंट, कुछ भी पार्लियामेंट, बिग जीरो, नथिंग अचीव्ड इन दिस एरियाज। पाकिस्तानी अवाम को कहानियां सुनाने को रोजाना हम रात को बैठ जाते हैं यहाँ पे तमाम चैनल्स के ऊपर, तो आई एम सॉरी टू से कि ये बल्ले लड़ते रहेंगे अपनी मियां साहबान पाकिस्तान की वो मुकद्दस गाय है जिनको आज तक अदालतों ने नहीं पूछा, जिनको आज तक फौज ने नहीं पूछा। और मैं आपको अर्ज कर दूं, हम इन अभी भी मुझे यकीन है इस बात का, कन्विंस्ड हूं कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ले जाता है, सिस्टम को काबू करके बैठे हैं। चलिए अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है हुकूमत को पूछने का। मैं सिर्फ शहजाद और कहते हैं हम हर हफ्ता हर आखिरी हफ्ता जो है जाके मदीना में गुजारते हैं, लोगों को जोर डाकू कहते हैं, इंशाल्लाह इनका आखिरी हल यही है कि अवाम की अदालत लगाएंगे, अवाम में निकलेंगे और इंशाल्लाह खलके खुदा झोलियां उठा इनको बददुआएं दे रही है जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी तो खुद करप्शन इल्जामात में घिरी पड़ी है, पीपल्स पार्टी तो खुद करप्शन इल्जामात में घिरी पड़ी है, आप लोगों को कैसे करप्शन के इल्जाम? मैं सिर्फ शहजाद साहब की बात के जवाब देना चाह रही हूँ कि शहजाद साहब ने कहा कि उस दिन हम जब मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर लूं। जी जी सर, जी जी कर लें, छोटी सी बात ऐड कर लूं। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दीजिए। जी जी जी, एतजाज अहसन, नईम बुखारी, लतीफ़ खोसा,
अगर ये तीन वकील मिलके भी पीएमएलएन या नवाज शरीफ, पीएमएलएन की बात नहीं कर रहा, नवाज शरीफ और उसके बाकी फैमिली के जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं उनको साबित नहीं कर सकते, तो फिर इस मुल्क का कोई वकील, और अगर उनके पास एविडेंस है और वो नहीं कर रहे, तो फिर वो अपने प्रोफेशन के साथ और अपनी पार्टी और नवाज और अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात, एक और बात भी सुन ले, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, प्लीज छोटी सी बात, बद दुआएं स्ट्रेटेजी नहीं होती, जो कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा सी बात क्लियर करना चाहूँ। देखिए जी, नंबर वन, बेस्ड ऑन पनामा लीक्स, वो हैक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेबसाइट्स। अगर उनमें सच्चाई ना होती तो ना कैमरून ने आके एक्सप्लेनेशन देनी थी पार्लियामेंट के सामने, और ना ही आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता। वजह है कि दे आर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स विच कैरी इंफॉर्मेशन। सो नंबर वन, देर इज नो क्वेश्चन कि वेदर आई हैव प्रेजेंटेड दोज डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्शन कमीशन और नॉट, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने मरियम नवाज को नेस्ट कॉल का और मालिक साबित किया हुआ है और कहा कि जी शी इज द मेन बेनिफिशियरी। अब मकसद ये है कि हमारा आर्ग्यूमेंट यह है कि मरियम नवाज हैज बीन शोन एज अ डिपेंडेंट ऑफ नवाज शरीफ इन द पेपर्स। अगर वो नवाज शरीफ की डिपेंडेंट हैं तो फिर उनकी लाइबिलिटीज और उनके एसेट्स शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द पेपर्स, नंबर वन। इसी बेसिस पे आज रेफरेंस जो है वो दायर कर रहे हैं अपना ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट वाले इमरान खान के खिलाफ, नंबर वन। नंबर टू, जो टैक्स इवेजन्स हैं जी, वो एक एक लफ्स अकॉर्डिंग टू द टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन गिवन। मैं आखिरी बात बताती चली जाऊं कि उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो थी वो तीनों सालों की इकट्ठी 2013 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया। यास्मीन राशिद साहिबा, शौकत बसरा साहब और शहजाद चौधरी साहब, मैं तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन चलती रहेगी, कल से आप लोगों की तहरीक का आगाज़ हो रहा है, पीटीआई कल से तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।